तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको हमारा तालीम पूरा सेक्शन और यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आ गए गुलाब खाने के ना, जो कि पूर्वी चंपारण जिला में स्थित है। और दोस्तों रात्रि का कितना टाइम हो रहा है, 7:15 हो रहा है। और इसी बीच कोई सांप आकर के छुपा हुआ है, तो आप देख सकते हैं उस साइड में ईटा है, ईट रखा हुआ है, उसी के अंदर सांप जो है छुपा हुआ है। तो आप देख सकते हैं सांप को देखने के लिए काफी भीड़ लगा हुआ है। तो सर थोड़ा आप अपना नाम बता दीजिए। एमडी इमरान आलम नाम है इनका जी। जी तो दोस्तों इन्हीं के घर के पास सांप जो है निकला हुआ है, तो चलिए निकालते हैं और दिखाते हैं कि कौन सा सांप है। वो नीचे जड़ में आ गया होगा, नीचे जड़ में चला गया होगा। हाँ, नीचे वाला जो रहता है होगा भाई। वो भरका फिर एक बार और मर खा जाए। तो आप इधर से दिखा दीजिए थोड़ा। हाँ, किन लोग का भी आ जाए। तो खुद आदमी को देख के हो जाएगा। खोज खिंचवा हम इनको साफ करवा देता हूँ, फेंकवा देता आगे। ये भाई सही का ईटा क्वालिटी कैसा है ना, कहा फैले रोल कैमरा एक्शन है ना। हाँ, चलिए अच्छा चल दे अरे कुछ ना टायर को देखो ना, ये कार है उधर। ये देखो ये कारी ऊपर साफ थे तू लोग नहीं गैप हुआ ना ऊपर का लोहा। ऐसा निकले इतने काम हो थोड़ा। आप ओके।
मेरा पूरा ध्यान सुन रहा है साहब। दूरी बनावा देते भाई हम वीडियो सांप कट ले तो कितना देर तक आदमी जिंदा रहल वीडियो में तू गया सांप जो है यहाँ पर है आप देख सकते हैं बड़ा स्नेक है सामने देख सकते हैं तो देख सकते हैं आप फोकस नहीं कीजिए आप कहीं नहीं जाएगा चिंता मत कीजिए हटिए साहब हटिए 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 और काफी देर इंतजार करने के बाद आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग बस सामने की कोबरा हाथ में पकड़ लिया गया है इस वक्त जिन कोबरा बहुत बड़ा है इसे थोड़ी देर में अपने खाते में लाजवाब आप देख सकते हैं इस वक्त वाह वेरी नाइस पकड़ लिए रे भाई देख सकते हैं इस वक्त सामने तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो सांप है स्पेक्टिकल कोबरा है जिसको हिंदी में नाग बोलते हैं और बिहार में से गेहूं के नाम से जानते हैं इसका नाम कहीं कहीं पे खड़ी है कहीं कहीं फटार भी बोला जाता है तो दोस्तों होता है तो कभी भी इसे कैटरिंग के बाद आप सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाए झरपू के चक्कर में आप ना पड़े नहीं तो आप लड़ी जाइएगा तो दोस्तों कितना इसका तो दोस्तों इसके इसके पास तरह नहीं होता है जिसके कारण तो यह सुन नहीं सकता है और इसमें कैल्शियम एंजाइम नहीं पाया जाता है ठीक है तो दोस्तों इधर दिखाइए तो दोस्तों इसे पकड़ने के लिए काफी मेहनत करना पड़ा है बहुत सारे ईंट को हटाना पड़ा है तभी ये जो सांप है पकड़ाया है जो कि काफी खतरनाक है ये काटने के बाद कहीं ना कहीं की अपॉर्चुनिटी चलिए दोस्तों इसको हम दवा उपाय करते हैं काफी रात हो चुका है जी और इसका जो जीव होता है धी आकार का होता है फटा हुआ जीव होता है और इसमें कैल्शियम एंजाइम नहीं पाया जाता है जिसके कारण से यह दूध नहीं पी सकता है तो गांव में बहुत सारा अंधविश्वास है कि यह दूध पीता है तो ऐसा कुछ नहीं है और यह रंगीन दुनिया को नहीं देख सकता है क्योंकि इसके पास प्लग नहीं होता है तो जब भी इसे सेक्स से बाइट होता है सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाए झाड़फूक के चक्कर में अपना पड़े ठीक है तो चलिए दोस्तों इसका जीव को भी आप देख सकते हैं कोई भी झाड़फूक से किसी भी झाड़फूक से जो है इलाज नहीं ढक्कन नहीं मिला भैया रेडी है भाई दिक्कत ना है जो है फाइनली हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया है और इसे दूर ले जा करके जंगल में छोड़ देंगे तो सांप को देखने के लिए आप देख सकते हैं काफी भीड़ लगा हुआ है तो सांप को जो पकड़वाने में सबसे ज्यादा जो भूमिका निभाए हैं यही लोग हैं आप सर अपना नाम बता दीजिए नंदू कुमार नंदू कुमार जी का सबसे बड़ा योगदान है मशरूम के मशरूम जो इमरान जी भी बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं दोस्तों तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इस सांप को छोड़ते समय फिर आपका वीडियो मिलेगा तो थैंक यू जय हिंद भाई हम जाते हैं।